कहानी है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की। नागालैंड मणिपुर के बॉर्डर पर स्थित जुकू वैली की। ये इकलौती एकमात्र ऐसी जगह है जो इंडिया में दूसरी नहीं है। अब जब जगह इतनी खास हो तो इसके नज़ारे भी खास होंगे। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है मुबारक खान और मेरे साथ हैं मेरे दो दोस्त सत्या और जगदीश। ये कहानी पूरी एडवेंचर से भरी हुई है जिसमें हम करेंगे ट्रैकिंग, कुकिंग, कैंपिंग। और मेरी और आपकी फेवरेट फोटोग्राफी। जुकू वैली के लिए जर्नी स्टार्ट होती है बिस्विमा विलेज से, जो कि कोयमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आखिरी के 2 किलोमीटर बहुत ही ख़राब है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि रोड ही नहीं है। उसके बाद शुरू होता है ट्रैक। ट्रैक जो है वो बहुत ही आसान है, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी में कभी पहाड़ नहीं चढ़ा है तो ये ट्रैक आपके लिए एवरेस्ट चढ़ने के बराबर भी साबित हो सकता है। देखो भाई, कितना घना जंगल है, आड़ा कोई जानवर नहीं, कोई आदमी नहीं, आदमी भी हम तीन हैं, क्योंकि जो ट्रैक पर तड़के चढ़ने आए हैं तड़के 6-7 बजे चालू कर दे। गजब के नजारे रे, मजा आ गया रे, मजा। ये देखो रे, जो हमारी आंखें देख पा रही हैं वो कैमरा नहीं देख सकता। जुकू पहुंचते पहुंचते हमारे को डार्क हो गया, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर कैंपिंग की जगह जो थी पहले से फिक्स थी। आप पे करिए और कैंपिंग करने की जगह आपको मिल जाएगी। उस पर लगा ले, फ्लाइट मोड पर लगा लेना, अपना नेट बैटरी बचेगी। मैं तो फ्लाइट मोड पर लगा लेता, नेट जाता दूसरी तरफ। वो कील यहाँ काम आओगी कि लेयर गिली ना हो, है ना। चल गया। अब करने को स्थान ही यहाँ पर, तो कॉफी पीजिए और अब चलो करते हैं नाइट फोटोग्राफी। और अब मिलेंगे सुबह। तो कैरावान ले ले, तू अमीर आदमी। फ्रिज ला रहा है, स्वैप फ्रिज बाहर आ गया,
स्टार्ट। तू बैठ के भी कर सकता उसमें, सेट हो जाएगा ना। अब इसको दो खड़ा। तो देवी और सज्जनों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ से आगे का मौसम बहुत ही सुंदर है, नज़ारे एक नंबर हैं, क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं जुकू वैली में। ये जो सफ़र का मज़ा होता है ना, गजब होता है, लेकिन इस बात का रियलाइजेशन मंजिल पर पहुंचने के बाद ही होता है। जैसे अभी की मंजिल वो क्रॉस तक पहुंचना है, जो कि सब टूरिस्ट या जो भी यहाँ पे घूमने आता है वो सब उस क्रॉस तक जाता ही है, वो फिक्स है एक। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद रियलाइज़ हुआ कि असली मज़ा जो है ना वो रास्ते का है। तो आज ये बात मेरे दोस्तों को भी समझ आ गई। अरे मर गया कती, दो तीन घंटे का ट्रैक था भाई, घने दिन में कराया है, खत्म पां खत्म, स्टेमिना खत्म। अभी तक जो आपने देखा वो ट्रेलर था, असली कहानी यहाँ से शुरू होगी, कहानी फोटोग्राफी की, कहानी टाइमलैप्स की। अब जब बात फोटोग्राफी की हो रही है तो जनाब उसकी शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से करते हैं। तो ये देखो पूरा का पूरा पानी जो था वो जम चुका है। अभी सुबह के 4:45 हो रहे हैं और मैं निकल लिया सुबह सुबह फोटोग्राफी करने के लिए। ये अपना चांद निकला हुआ है और पूरा का पूरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं जा रहा हूँ अपने कैंप साइट से हेलीपैड के ऊपर, वहाँ से मैं कैप्चर करने वाला हूँ, ये मून सेट होगा और पीछे से सनराइज होगा। तो ये मेरी लोकेशन आ गई, यहाँ से सनराइज होगा, इस साइड से सूरज निकलेगा और ये अपोजिट साइड में मून है अपना। तो हम मून की साइड फ्रेम बनाएंगे अपना। मुझे यहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं तो मुझे मालूम है कि कहाँ से कैसे धूप आएगी, कहाँ माउंटेन पे कब कैसे गिरेगी। तो ये ट्राईपॉड है, अभी टाइम हो गया है 5:30 और धीरे धीरे जो लाइट है वो बढ़ती जा रही है, उसके दूसरी साइड मून जो है वो मून सेट होने को तैयार है और ठीक 5:30 पे मैंने अपना कैमरा चालू कर दिया है। और इधर अपन है पूरा का पूरा पैक, ये और ये ऐसे लगाया हुआ है। क्या मस्त लाइट गिर रही है चेहरे पे, मतलब गजब ही है। ठंड है पता नहीं कितनी है लेकिन मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि मैं तो वहाँ से चल के आया भाग रहा, अभी भागते भागते रहता हूँ मैं, रुकता नहीं एक जगह, रुकूँगा तो जम जाऊँगा, इसलिए चलते रहो, बॉडी को गर्म रखो, बस यही तरीका है ठंड को दूर रखने का। अभी टाइम हो रहा है 5:55 और माउंटेन पे आप देख सकते हो कि पहली सनलाइट जो गिर चुकी है 5:55 पर। रोशनी हुई थी 5:30 पे, पूरा रोशनी हो गया था इधर और 5:55 पे पहली सनलाइट गिर चुकी है। तो आप बताओ आप इंडिया के किस शहर में हो,
आपके शहर में जो पहली सनलाइट जो गिरती है वो कितने बजे गिरती है विंटर्स में? आज के दिन तो गजब ही नज़ारा दिखा है। ये देखो ऊपर अपना चांद और नीचे पहाड़ पे देखो धूप निकलती जा रही है, सनराइज हो रहा है, उधर मून डूबने के लिए जा रहा है। तो मित्रों बात ऐसी है कि सनलाइट का वेट हो रहा है, सनलाइट आ जाए तो थोड़ी ठंड कम हो जाए। और ये धूप कैमरे के ऊपर आ चुकी है पूरा का पूरा, जैसे मैंने सोचा था सनलाइट आ चुकी है और कैमरा अभी तक चल रहा है। तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, फोटोग्राफी हो चुकी है पूरी। और यहाँ से ये रास्ता है, रास्ता ऐसे करके ऐसे जाएगा, ऐसे नीचे नाले में जाएगा, नाले में चल के फिर ऊपर चढ़ना है। और वो रहा गेस्ट हाउस जिसके पास कैंप किया हुआ है। चलो तो चलते हैं, ये रहा मैं ऐसे करके ऐसे चल के जाएगा। तो अभी से 2 घंटे पहले ये इन्हीं झाड़ों झाड़ियों के बीच से गुजर के गया था, जब ये दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि अंधेरा था। तब अभी मैं अपने टेंट जा रहा हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने वाला सीन आप भी आसानी से कर सकते हो, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगा। हाँ भाई दोस्तों, ये भी ऐसे ही कह रहे थे आने से पहले यहाँ पर। क्या बोला? तो दोस्तों ये कप है, कप के अंदर बर्फ है, इसको उल्टा करेंगे तो कुछ नहीं आता इसमें, लेकिन ये आधा भरा हुआ है। Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. हमारे पीछे देख रहे हो जुगू वैली, अब इसको अलविदा कहने का टाइम आ गया है। यहाँ पे 2 नाइट रुके हम, बहुत मज़ा आया, अब जा रहे हैं, वापसी में वही चीज़ें मिलेंगी तो हम दिखाएंगे नहीं, कैमरा बंद कर देंगे अब। बाय बाय जुगू। तो चलो फिर मिलते हैं किसी नए सफ़र पे, किसी नए टाइम लैप्स फोटोग्राफी एडवेंचर पर। मतलब के पीछे भागती दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, उसे खुद रोकना पड़ता है। वैसे तो फिल्मी डायलॉग है, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे मतलब की बात है यहाँ पे, और इसमें थोड़ा सा मतलब आपका भी है। मैं चाहता हूँ कि आप इस YouTube चैनल को, इस जर्नी को सपोर्ट करो, लेकिन कोई मेरे मतलब के लिए वहाँ सपोर्ट क्यों करेगा? तो यहाँ पे आपके मतलब की बात भी है, अगर आप वहाँ पर सपोर्ट करोगे तो बदले में आपको मेरे एक्सक्लूसिव वीडियो, जैसे मैं ट्यूटोरियल बनाता हूँ, कुछ अनकट वीडियो होते हैं जो मैं अपने यूट्यूब पर अपलोड नहीं करता हूँ, वो वहाँ पर अपलोड करता हूँ, तो उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो इसको सपोर्ट करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप यूट्यूब मेंबरशिप में सपोर्ट कीजिए और बदले में मेरे एक्सक्लूसिव वीडियो का आनंद लीजिए, और दूसरा है पेट्रियन अकाउंट, वहाँ पर भी सपोर्ट कर सकते हो आप। तीसरा ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर सब्सक्राइब मारिए और सपोर्ट करिए, और मेरा कंटेंट जो भी वो फ्री में अवेलेबल तो है ही सारा, लेकिन कुछ कुछ है बिहाइंड द सीन्स वगैरह, वो वहाँ पर जाएगा। तो बस इतना ही है, थैंक यू सो मच।